अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सेट जी। हम किस क्लास में मौजूद हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम शुरू करने वाले हैं उर्दू की क्लास। और उर्दू की पिछली क्लास में हमने अपने सबक नंबर 11 जिसका नाम है अंजाम, इसके कुछ हिस्से की पढ़ाई की थी मिलके, यानी रीडिंग की थी। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास भी हम रीडिंग की क्लास ही लेंगे, यानी सबक की पढ़ाई ही करेंगे। और आज हम जिस पेज की रीडिंग करेंगे वो है पेज नंबर 60 आपकी बुक का, और ये सफ़ा भी आपके सबक नंबर 11 से ही है। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग के लिए पेज ओपन कर लीजिए। सब ने पेज ओपन कर लिया, पेज नंबर 60 पे मौजूद हैं, शाबाश। तो मिलके रीडिंग स्टार्ट करें। और आपको पता है ना रीडिंग कैसे होगी? बिल्कुल सही आवाज़ आ गई है मुझ तक कि आपने कहा कि रीडिंग हम ऐसे करेंगे कि हम फिंगर रखेंगे, वर्ड्स को पहले दो दफ़ा सुनेंगे जब मैं पढ़ रही होंगी, उसके बाद आप वहाँ से उसे दोहराएंगे साथ। तो चलें फिर रीडिंग स्टार्ट करें। आ जाइए पेज नंबर 60 पे, और ये है हमारा सबक कौन सा? अंजाम। चलें पढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ क्या लिखा है? मैं कोई दो हफ्ते उस दुकान में पड़ा रहा। मैं कोई दो हफ्ते उस दुकान में पड़ा रहा। आखिरकार एक लड़का मुझे खरीद कर घर ले गया और दीवार पर लगे होल्डर में लगा दिया। आखिरकार एक लड़का मुझे खरीद कर घर ले गया और दीवार पर लगे होल्डर में लगा दिया। पढ़ रहे हैं ना साथ साथ? शाबाश। चलें आगे पढ़ते हैं। मेरा काम रात के वक्त सहन को रोशन रखना था। मेरा काम रात के वक्त सहन को रोशन रखना था। मेरे अगले दो साल इसी सहन में गुजरे। मेरे अगले 2 साल इसी सहन में गुजरे। दिन में सो जाता दिन में सो जाता, रात में जला दिया जाता। बहुत कुछ
देखा देखा, यहाँ यहाँ, से मैंने मैंने, बहुत कुछ देखा यहाँ से मैंने, कई कई, सख्त सख्त, गर्मियों गर्मियों, की रातें रातें, शदीद, सर्दी, का मौसम, शदीद सर्दी का मौसम, लेकिन मैंने कभी हिम्मत ना हारी, लेकिन मैंने कभी हिम्मत ना हारी, जलता रहा, और रोशनी फैलाता रहा, जलता रहा और रोशनी फैलाता रहा, मुझे याद आता है, रात का सन्नाटा, उस में चूहों की सरसराहट, सहन में लगे दरख्त पर चिड़ियों का घोंसला, और बरसात की वो टिप टिप, उसमें चूहों की सरसराहट, सहन में लगे दरख्त पर चिड़ियों का घोंसला, और बरसात की वो टिप टिप, दो साल गुजरने का पता ही ना चला, दो साल गुजरने का पता ही ना चला। जी, तो यहीं पे आज हमारी रीडिंग हम रोक लेते हैं। अब जल्दी से क्या करेंगे, कुछ अल्फाज अंडरलाइन करेंगे। तो जल्दी से पेंसिल लीजिए और सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिए कौन सा लफ्ज, दीवार। फिर अंडरलाइन कीजिए सहन। इसके बाद अंडरलाइन कर लीजिए रोशन। फिर अंडरलाइन कीजिए शदीद। इसके बाद अंडरलाइन कर लीजिए हिम्मत। और फिर अंडरलाइन कीजिए कौन सा लफ्ज़ भाई, सन्नाटा। और फिर अंडरलाइन कर लीजिए घोंसला। ठीक है जी,
अब आप क्या करेंगे, अब आप ये काम करेंगे कि आप रीडिंग की बहुत अच्छी सी मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रीडिंग की वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी टीचर को भेजेंगे और जिन अल्फाज को हमने अंडरलाइन किया है उनकी लिखने की बेहतरीन सी मशक करेंगे। तो जल्दी से सारा काम कीजिए मुकम्मल और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Thank you.